अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोज.com, विजिट करें अभी www.रोजगारकीखोज.com। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफलाइन फोरम पर। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से बड़ी भर्ती आप सभी के लिए यहां पर आ चुकी है। फ्रेंड्स, आपके टोटल पोस्ट की बात की जाए टोटल 98,083 पदों पर है। आप सभी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपने केवल 10वीं पास कर रखी है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यदि बात करेंगे आपकी सैलरी को लेकर तो 27,900 रुपये से आप सभी की सैलरी की स्टार्टिंग रहने वाली है। फ्रेंड्स, आपकी ऑल इंडिया रहने वाली यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी यहां पर आवेदन कर पाएंगे। आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली, सरकारी नौकरी रहने वाली है। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी यहां पर प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी से लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अभी तक भी आपने ऑफलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि इसी प्रकार की हेल्पफुल जानकारी आप सभी को फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक जरूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूँगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC GD डिफेंस या आप तैयारी करना चाहते हो पोस्ट ऑफिस के एग्जाम की, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो अभी आपकी भर्ती आई आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर आप सभी के यहाँ पर भर्ती रहने वाली है, आपके ऊपर मेरिट बेस से भर्ती नहीं रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पर मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रिकमेंडेड करना चाहूंगा टेक्स्ट बुक पास है। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है आपकी 600 प्लस एग्जाम की आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। साथ ही आपके लिए यहाँ पर 14,000 से अधिक आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए उपलब्ध है। आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक यहाँ पर 12 से अधिक लैंग्वेज में आप सभी के लिए उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आप टेक्स्ट बुक का 12 महीने के लिए पास परचेज कर सकते हो ओनली 399 रुपए में। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे कूपन कोड ऑफ का उपयोग करते हो तो आप सभी को यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो आप 270 रुपए में, वो भी फ्रेंड्स आपको 18 मंथ के लिए 6 मंथ की वैलिडिटी आप सभी को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाती है। आप सभी को यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देगा। आपका जो है ऑफर है, आपकी सेल चले टेक्स्ट बुक की, आपकी यहाँ पर सीमित समय के लिए रहने वाली है। आप 27 से 30 नवंबर के बीच यदि हमारे कूपन कोड ऑफ का उपयोग करते हो तो आपको मात्र 270 रुपए में यहाँ पर 18 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। तो अभी आप जाइए टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा देगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं मैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो आप सभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा आप सभी के लिए 15 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यहां पर जो भर्ती आने वाली है पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर है, आप सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड, देखिए जो आपके पास सबसे पहली पोस्ट आने वाली है आपकी पोस्टमैन डाकिया की आपकी पोस्ट आने वाली है। यदि बात करेंगे आपकी टोटल पोस्ट को लेकर तो 59,999 आप सभी के यहाँ पर बहुत बड़ी आपकी बम्पर यहाँ पर भर्ती रहने वाली है। आप सभी के लिए ग्रुप सी के पदों पर यहाँ पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि बात करेंगे आपकी सैलरी को लेकर तो 21,700 रुपये से आपकी सैलरी की स्टार्टिंग रहने वाली है और लगभग आपके 59,000 रुपये के लगभग आपको यहाँ पर बहुत काफ़ी अच्छी आपको सभी को यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। यदि बात करेंगे आपकी एज की लिमिट को लेकर तो आपके यहाँ पर जो एज की लिमिट रहने वाली है, यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच आपकी एज की लिमिट रहने वाली है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एवं OBC कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल का एज में लोकेशन मिलने वाला है। यदि फ्रेंड्स आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप सभी ने यदि 12वीं पास कर लिए तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यदि आप ऑलरेडी यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवा में कोई भी कार्य कर रहे हो तो यदि आपने केवल 10वीं पास कर रखी है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आपको कंप्यूटर की यहाँ पर नॉलेज रहनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो बट आपको यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपने 12th पास कर रखी है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यदि आप यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवा यानी पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहे हो तो आप सभी यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज की यहाँ पर नॉलेज रहनी चाहिए। आप जिस भी पोस्टल सर्कल के लिए या जिस भी डिवीजन के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे
उसके लिए आपको नॉलेज रहनी चाहिए। फ्रेंड्स यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप जिस भी सर्कल से आप आवेदन करना चाहते हो उसकी लैंग्वेज क्या है उसको आप सभी को इन्फॉर्मेशन उसकी जानकारी आप सभी को रहनी चाहिए। फ्रेंड्स आपकी सभी के यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट रहने वाली आप सभी के लिए मेल गार्ड के यहाँ पर दूसरी पोस्ट रहने वाली टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 1445 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहाँ पर सैलरी 21,700 से लेकर 59,100 रुपये के लगभग आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। यदि बात करेंगे आपकी यहाँ पर एज की लिमिट को लेकर तो सेम आपके 18 से 27 साल के बीच आपके यहाँ पर एज की लिमिट रहने वाली है। यदि आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में वर्किंग कर रहे हो आप कार्य कर रहे हो तो यहाँ पर केवल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना यदि आपने केवल 12वीं पास कर लिए तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स अभी आपकी यही जानकारी शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको प्रोवाइड कराई गई है। इसमें आपको एज लिमिट के बारे में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपकी किस पोस्ट के यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ आपकी पोस्ट रहने वाली है वो आप सभी के यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। फ्रेंड्स अभी आप सभी के यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस आपका जारी किया गया है। मैंने इसके रिगार्डिंग कई महीने पहले वीडियो भी बनाई थी। कई भाइयों के वहाँ पर कमेंट आए थे कि भाई ये यहाँ पर फेक भर्ती रहने वाली। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अभी फाइनली पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट को यहाँ पर फुली जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स अभी आप सभी के मन में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि भाई ये मेरिट बेस यहाँ पर भर्ती रहने वाली है या इसके लिए कोई यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पर आप सभी का रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आपकी मेरिट बेस पर यह भर्ती नहीं रहने वाली है। फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए गुड न्यूज है लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज भी हो सकती है जिनकी काफी अच्छी यहाँ पर परसेंटेज है उनके लिए बैड न्यूज है वरना ये आप सभी के लिए गुड न्यूज यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके SSC GD की भी यहाँ पर वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। काफी अच्छी आपके 20,000 आपकी पोस्ट बढ़ चुकी है तो अभी आप सभी के लिए 2023 में अच्छा मौका है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का तो आप सभी को यहाँ पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको यहाँ पर टेस्ट बुक पास को भी परचेज कर लेना चाहिए क्योंकि जब तक आप अपने मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने से आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है आपको अपने एग्जाम जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आप सभी को पता चल जाता है। तो मैं आप सभी को रिकमेंडेड करना चाहूंगा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप सभी को यहाँ पर मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट के लिए आप सभी सबसे अच्छा इंडिया का प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक है आप टेस्ट बुक पर जाकर वहाँ पर लगा सकते हो। आपको 200 यहाँ पर बहुत कम प्राइस में आप सभी को टेस्ट बुक यहाँ पर पास भी मिल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड कोई डाउट बचा हुआ तो आप हमारी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो रोजगार की खोज। फ्रेंड्स ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है अधिक जानकारी मैं आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा यदि आप इस नोटिफिकेशन को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे या पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आप समझ चुके होंगे ना अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। बस अभी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और आप सभी को एज के बारे में जानकारी दी गई है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो मिलता हूँ वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।